नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और आने वाली बोर्ड परीक्षा में विज्ञान का पेपर किस प्रकार का बनेगा, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखकर अपनी तैयारी को आप पक्की कीजिए। एक प्रश्न पत्र को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें एक पहली समीकरण है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम और इससे बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन इससे अलग हो जाता है, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो प्यारे भैया बनो, इसमें क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड से एल्यूमिनियम तो जुड़ जाता है लेकिन आयरन इससे अलग हो जाता है, तो इसमें आयरन का विस्थापन हुआ है इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारक नहीं है। तो प्यारे भैया बनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारक है, लेकिन C2H5 एथेन अल्कोहल जो है एथेनॉल, यह क्षारक नहीं है, यह एक प्रकार का अल्कोहल है तो यह क्षारक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, C2H5OH। तीसरा प्रश्न है, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, सीसा, पारा, सोडियम और लोहा। तो सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील धातु है और इसको क्रिया करने से रोकने के लिए मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे अधिक किस प्रकार के प्रकाश में होती है। तो चार रंगों के नाम इसमें दे रखे हैं लेकिन मैं आपको सीधा उत्तर बता दूं कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो जो सबसे लास्ट वाला जो नाम आ रहा है लाल, इस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पांचवा सही विकल्प कि दो न्यूरोन के बीच संधि क्या कहलाती है। तो कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन संधि या फिर सिनेप्स। तो प्यारे भैया बहनों, दो न्यूरॉन के बीच में जो संधि होती है उसे सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, तो इन दोनों के मिलन को निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं। तो लेंस की क्षमता को डाई ऑप्टर में नापा जाता है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत रहेंगे। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डाई ऑप्टर में नापते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट देखने के लिए कितनी दूरी जो है न्यूनतम आवश्यक होना चाहिए। तो 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। देखने में सारे ऑप्शन लगभग लगभग समान दिखते हैं लेकिन इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा और इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर जो है स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी होती है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें सबसे पहला है विभवांतर का मात्रक। तो प्यारे भैया बहनों, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट से जुड़ेगा। मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं नर युग्मक, तीसरा है नर युग्मक, तो नर युग्मक शुक्राणु होता है तो तीसरे का ई से जुड़ेगा, इस प्रकार से शुक्राणु से। अब चौथा है ओम, तो ओम के लिए प्यारे भैया बहनों कि ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है तो इसलिए ओम का विद्युत प्रतिरोध से जुड़ेगा। अगला है सिरा, तो सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है इसलिए यह अशुद्ध रक्त से जुड़ेगा। और ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों में बहता है और सिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अब उसके बाद में द्रव धातु, तो द्रव धातु वैसे पारा भी होती है लेकिन ब्रोमीन जो है इसमें विकल्प में मिल रहा है, तो द्रव धातु ब्रोमीन है। अब उसके बाद में द्विलिंगी की अगर हम बात करें तो द्विलिंगी जो है वह केचुआ होता है, इसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं तो द्विलिंगी केचुआ होगा। अगला है घरेलू विद्युत परिपथ, तो इसमें अब एकमात्र विकल्प बच गया है समांतर क्रम, यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो उपकरण होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली स्थानों की पूर्ति करना है।
पहला है विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर होती हैं, तो यह जो है एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब इस प्रकार का एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये ईस्ट पोल हो गया, तो ये इस प्रकार से निकल के इसमें जाती है, है ना, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरे से समान दूरी पर जो है होती है, मतलब इसका कह सकते हैं कि ये समांतर होती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अगला है एक अश्व शक्ति बराबर वाट होता है, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अगला है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना कहलाता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का बना होता है और उन 7 ही रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण, है ना। अगला है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की खालिस्तान होती है, गोली दर्पण की, मान लिया जाए कि यह एक गोला है और इस गोले को काट के गोली दर्पण बना दिया गया, यहां से इसके केंद्र से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या कहलाती है, तो उसकी फोकस दूरी यहां से उसके बीच से नापी जाती है, मतलब उसकी फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, तो यहां पर उत्तर आएगा आधी। अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है, या फिर अनुवांशिक लक्षणों का संचरण कहलाता है। अगला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो मान लिया जाए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहे हैं, यह हमने शब्द के रूप में लिख दिया एक वाक्य के रूप में, लेकिन जब इसको समीकरण के रूप में हम लिखते हैं कि H2+O2 और तीर का निशान और H2O, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है, तो इसको इस प्रकार से यानी कि प्रतीक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के जो इसमें 7 प्रश्न थे वो हमने सॉल्व किए हैं, अब इसके बाद में एक वाक्य में उत्तरों को हम देखेंगे। तो अब 4th प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, यानी कि कोई भी एक तत्व प्रकृति में अलग अलग रूप में पाया जाता है, यानी कि उसमें तत्व तो एक ही रहता है लेकिन वह अलग अलग प्रकार के संयोजन से अलग अलग रूपों में दर्शित होता है, तो उसको अपरूपता कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरूपता, जैसे कार्बन के अनेक अपरूप हैं तो इस प्रकार से अपरूपता कहते हैं। अगला है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, तो हरे पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है अनुवांशिकी के जनक का नाम, अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जोन मेंडल। 5वां प्रश्न दर्पण सूत्र लिखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/F बराबर 1/U+1/V, ये होता है दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/U+1/V, तो इसमें F जो है उसकी फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी और V जो है प्रतिबिंब की दूरी होती है। अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो उसका नाम है अवतल दर्पण में ऐसा होता है। और 7वां है मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, निषेचन की प्रक्रिया जो है वो होती है अंडवाहिनी में, क्या लिखना है, अंडवाहिनी में। तो प्यारे भैया बनो, इस वीडियो में हमने 30 अंक के जो ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हमने इस वीडियो में हमने तैयार किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।